ना तमाकू की कालाबाजारी से नाराज होकर कुछ युवक थाने पहुंच गए और पुलिस को तहरीर दी। उनका आरोप है कि कोरोना काल में तमाकू महंगा बेचा जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला पर खुरई कालाबाजारी को लेकर युवाओं में रोष देखने को मिला, जिसकी शिकायत लेकर कुछ युवा कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र लिखकर गोवर्धन थाने में पहुंचे। वहीं एक युवा ने बताया कि बाजार में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट तथा खाद्य सामग्रियों मनचाहे रेटों पर बिक्री दुकानदार कर रहे हैं। एक और कोरोना वायरस के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और बचा हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं खाद्य सामग्रियों गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पर मनमाने रेटों से बिक्री कर रहे हैं। दुकानदारों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। अब देखना है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है या नहीं। डीडी शर्मा, गोवर्धन समाचार 24। क्या नाम है? मनोज। अच्छा, अभी यहाँ पर थाने पर आए हैं आप लोग शिकायत करने, क्या मामला है? ये मामला ये है कि जो भी आइटम है सभी दोगुने रेटों में मिल जाए हमको। क्या आइटम? जो भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी खाद्य पदार्थ का आइटम है सभी दोगुने रेटों में मिल जाए। कौन बेच रहा है ये? सभी हाथी व्यवसायी पर जो भी दुकानदार है सभी दुकानदार इसी काम को करते हैं। सबने जमा खोली कर रखी है, माल को उतना ही दे रहे हैं कि सब बता रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, माल आ नहीं रहा है। अच्छा। और माल जबकि आ रहा है वहाँ से महंगे पैसे मांग रहे हैं। बोलते हैं कि बड़ा दुकानदार महंगा दे रहा है, तो बड़े दुकानदार के पास जाते हैं तो बड़ा दुकानदार मना कर देता है कि नहीं हमने महंगा नहीं दिया है, ये खुद ही महंगा बेच रहे हैं, या फिर ये बताएं कि कौन कौन सी महंगा लेके आ रहा है। तो फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ पर? इसकी शिकायत हमने थाने में की है, पहले 100 नंबर पे की थी। 100 नंबर वालों ने हमको बोला था कि वहाँ जाइए थाने में शिकायत दीजिए आप, हमने थाने में आके शिकायत की है। तो इसके अलावा खाद्य विभाग वगैरह में शिकायत आपने की? नहीं, अभी नहीं। अभी आप क्या मांग? हमारी मांग यही है जो भी रेट में सामान आता है उसी रेट में मिलना चाहिए ना, डबल क्यों मिल जाए? खाद्य विभाग को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, जो भी दंडात्मक कार्यवाही हो वो कार्यवाही होनी चाहिए, कालाबाजारी खत्म होनी चाहिए।